मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों बच्चों के संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस मामले की खबर तब लगी जब बुढ़बराल इंटर कॉलेज के बच्चे कॉलेज परिसर में ही बीमार होने लगे। कॉलेज से करीब 2 दर्जन स्कूल बच्चों की छुट्टी लेकर चले गए, लेकिन जब स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी तो फिर कॉलेज के ही स्वास्थ्य केंद्र की टीम को बुला लिया गया। मुरादाबाद नगर पंचायत में BSNL की सेवा पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ी है, क्योंकि बिजली विभाग ने ही BSNL ऑफिस का बिजली का कनेक्शन काट दिया। कई महीनों से बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया गया था। जनरेटर भी है, लेकिन सालों से इसके लिए डीजल नहीं खरीदा गया। कानपुर से ट्रैफिकिंग करके दिल्ली ले जाई जा रही एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की को 2 लड़कों के साथ GRP ने हिरासत में लिया। शालदा अजमेरी एक्सप्रेस से प्लेटफार्म 2 से पकड़े गए हैं। लड़कों के पास से बांग्लादेश के पासपोर्ट, 5 मोबाइल भी मिले हैं। खुफिया विभाग के अफसरों ने पूछताछ भी की। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर दोनों लड़कों को जेल भेज दी। देखिए, एक बांग्लादेश का नागरिक है, अब्दुल रजाक नाम है उसका, और उसके पास लीगल पासपोर्ट है। वो लीगल पासपोर्ट पे पिछले कई सालों में 70-80 बार इंडिया में आया है। वो अपने साथ एक अवैध रोहिंग्या को इलीगल तरीके से इंडिया में इंटर करवाया नदी और नाले के रास्ते, और उसके उस रोहिंग्या का नाम है अयाज, जो मूल निवासी म्यांमार का है और काक्स बाजार में कैंप नंबर 3 रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में रहता है। तो उसको उत्तर प्रदेश के हसनपुर में एक निजी चिकित्सक पर उपचार के दौरान गलत इंजेक्शन लगने का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि मृतक के विवेक को खांसी की शिकायत थी। परिजन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उसे दवाई देने के बाद तबीयत में सुधार हुआ तो चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया, लेकिन सुबह घर पर ही विवेक की हालत खराब होने लगी। आनन फान में परिजनों ने उसको हसनपुर हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर से दवाई दिलवाने पहुंचे। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई तो उसके बाद 2 इंजेक्शन और लगाए, जिसमें एक इंजेक्शन के लगते ही विवेक की नाक से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। जब परिजनों ने चिकित्सक से बात की तो चिकित्सक ने कहा कि खून की कमी होने के कारण इसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाना शुरू कर दिया। जालौन में बजरंग दल के जिला संयोजक मुनिराज तिवारी के ऊपर आज रात में करीब 1 दर्जन लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में मुनिराज तिवारी को गंभीर चोट आ गई। अचानक से हुए हमले के बाद आनन फानन में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस जब तक मौके पर पहुंचे तब तक हमलावर मौके से भाग गए थे। तिवारी को पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सा में रेफर किया। महोदय, नगर जालौन में बजरंग दल के जिला संयोजक मुनिराज तिवारी पर हमला हुआ, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ लोगों के मारपीट सामने आई थी। लखनऊ से कानपुर आ रही लोकल ट्रेन LC सेंट्रल स्टेशन के आउटर पर ड्रेल हो गई। मेमो ट्रेन के 2 महिला कोच पटरी से उतर गई। मेमो ट्रेन की स्पीड तेज थी, जिसकी वजह से ट्रेन का पिंटो टूट गया और ट्रेन के 2 डिब्बे रेलवे ट्रैक तोड़ते हुए पटरी से उतर गए। एक 64201 पैसेंजर लखनऊ से कानपुर आ रही थी। कानपुर स्टेशन एंटर करते समय 129 नंबर पॉइंट पर इसके 2 कोच डिरेल हो गए हैं। अभी हमारे मूवमेंट फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर में हेलमेट वितरण के अनुसार आज SP सचिंदर पटेल ने यातायात के नियमों का पालन करने और घर से निकलते ही हेलमेट लेकर चलने की शपथ भी दिलाई। 4 पहिए वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करने जैसी की जानकारी हेलमेट वितरण करके दी। ये अभियान हम लोगों ने अपने जनपद फिरोजाबाद में युद्ध स्तर पे हम लोगों ने इसको किया है, और हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने में काफ़ी अच्छी मात्रा में हम लोग इसमें अच्छी प्रगति देखने को मिली है, और करीब हम लोगों ने इस चीज़ को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के द्वारा फोटो चालान जो हम लोग करते हैं करीब 30,000 चालान हम लोग कर चुके हैं। इसी के प्रयासों का नतीजा है कि अब ज़्यादातर लोग हेलमेट लगा रहे हैं, लेकिन इसको हम लोगों को आदत में लाना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, उसको इन्फोर्स कराना। मुंडा पांडे मदरसे में पढ़ने जा रहे एक छात्र को ई रिक्शा ने रोंद दिया। ई रिक्शा की टक्कर से छात्र को ई रिक्शा अपने साथ 100 मीटर सड़क पर घसीटता हुआ ले गया, जिससे छात्र के मुंह में और सीने में गंभीर चोटें लगी हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में लगभग 4 महीने पहले ओमवीर सिंह की लड़की को गाँव के ही एक लड़के विमल घर से भगा ले गया था, जिसमें सोनी विमल का पूरा सहयोग किया गया, जो कि ओमवीर के सगे भाई की पत्नी है। इस बात की जानकारी ओमवीर को हुई तो ओमवीर ने थाना कलान के विमल को नामजद करते हुए पास्को एक्ट में FRI दर्ज करवा दी। ये तो इनकी सगी छोटे भैया की अनुज वधु है, और इनकी एक लड़की का अपहरण हुआ था करीब 3 महीना पीछे।
उनकी लड़की का अपहरण हुआ था 3-4 महीना पीछे, उसमें ये इनकी जो भाभी थी सोनी, इसका पूरा हाथ था और उसी में ये लड़की इनकी हाईकोर्ट से वापस हो गई। अब लड़की का वापस होना उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि लड़की वो भगाने के विचार में थी अपने मिलने वाले को, उसी को लेकर इन्होंने इन पर दबाव बनाने के लिए ये जो कुछ षड्यंत्र चाहे क्षेत्र है ये बिल्कुल फर्जी, इनका कोई लेना देना उससे नहीं, ना उम्मीद की बातचीत होती करीब 3-4 साल से, इसी दबाव को लेकर के इनका समझौता हो जाए। क्या इससे पहले उन्होंने ओमवीर को इसी को धमकी दी थी मुकदमा वापस लेने के लिए? हाँ, ओमवीर बता रहे थे, हमने कई बार कहा कि मुकदमा वापस ले लो, तो हमने कहा ये तो गलत बात है, लड़की का अपहरण हुआ हमारी, कल को तुम्हारी हो सकती है। थाना नसीरपुर के क्षेत्र गांव घाघाव पर विद्युत विभाग के द्वारा पूरे गांव में 440 वोल्ट की लाइन नंगी तारे हैं, जो कि वहां के घरों के ऊपर से जा रही है, जिसके चलते बिजली की तार टूटी शकुंतला देवी पर गिर पड़ी, इससे शकुंतला देवी पूरी तरह से जल गई और उसकी मौत हो गई।